फाइनली दोस्तों देख रहे हो पूरा पैर खून खून हो गया। आग जलाने की पूरी कोशिश किया बट उनसे आग जला नहीं। अंकल ने हेल्प कर रहे हैं तो हमको थोड़ा दे रहे हैं खाना बनाने के लिए। जय श्री राम दोस्तों, हर महादेव, जय श्री राम। स्वागत करते हैं एक और नई वीडियो में और केदारनाथ के यात्रा में। आज ये चौथा दिन है और हम ये अभी जा रहे हैं बूढ़ा केदार, जो कि ये रास्ते कुछ इस प्रकार से। और सुबह सुबह रात भर बारिश हुआ, इसीलिए हम लोग सुबह निकलने की प्लानिंग था बट रात भर बारिश हुआ जिसकी वजह से हम लोग नहीं निकल पाए थे। तो अभी जो फटाफट धूप निकला हुआ है तो फटाफट पैकिंग करते हैं और निकलते हैं यहाँ से। और ये रहा अपना टेंट, धनु इस साइड खड़े हैं और टेंट ये रहा भाई। अंदर से भी देख लो, आज मैं अंदर से आप लोगों को दिखाता हूँ। ओके देखो, ये है मेरा अंदर का 5-स्टार होटल वाले। स्लीपिंग बैग हमेशा यूज करना पड़ता भाई, नहीं तो ठंड बहुत लगता है ना, इसलिए चलो निकलते हैं यहाँ से, टैक से पैक करते पहले। फाइनली दोस्तों अपना धनु रेडी हो चुके, हम भी रेडी हो चुके। देख धनु लग रहे नहीं, हीरो हीरो लग रहे नहीं। कुछ इधर से वो हाईवे है ना, यहाँ से साइकिल लेके जाना है भाई, पहाड़ों में लेके जाना। अभी चलना है भी 11-12 किलोमीटर पैदल चलना है, उसके बाद जाके फिर डाउन मिलेगी हम लोगों को। आज भर दिन चलना ही पड़ेगा। फाइनली दोस्तों आ गए नीचे हाईवे पे, अब निकलना है सीधा बूढ़ा केदार की ओर, जो कि है 33 किलोमीटर होगा ना भाई, मतलब 34 किलोमीटर दिखा रहा था ना। कितना किलोमीटर बच गया होगा? 30 किलोमीटर। अरे नहीं, 4 किलोमीटर ही आया। चलो देखते हैं कितना किलोमीटर बच गया, 30 किलोमीटर आज जाना है जैसे भी। तो चलो देखते हैं पहुंच पाएंगे कि नहीं, पहुंचने की कोशिश तो करेंगे आज जैसे हो। हाँ देख रहे हो पहाड़ों में चल रही इस प्रकार से। अभी खेती भाई, अभी धान रोपने का समय भाई, कितने प्यारे लग रहे हैं ना। जब ये सारे हरे भरे हो जाएंगे तो और इतना सुंदर ये गांव लगेगा ना कि पूछो मत भाई। वो सामने देखो कुछ लोग बिछन उखाड़ रहे हैं, कुछ लोग जुताई कर रहे हैं बैल से भाई। गांव की याद आ गया भाई, गांव की याद आ गया भाई, इतने सुंदर नज़ारे देख के। मेरे गांव में भी अभी ऐसी रोपनी चल रहा होगा, खेती चल रहा होगा, अच्छा लगता रहता है यार। चोरी में जाके खाना मिले, वो भी चोरी का खाना, पता है जब कभी भी आप चोरी में खाना खाओगे ना भूख ज़्यादा लगेगा, तो मुझे भी गांव के याद आ रहा है। बट चलो निकलते यहाँ से। गाइस पूरे गांव वाले शौक हो रहे भाई, 3 बजे देख लो साइकिल से यार, कुछ अपने आप में नहीं है ना, इसलिए सारे रिएक्शन दे रहे हैं यार। कोई नहीं, एक छोटा सा गांव है। जय बोले की हर कोट में भाई। तो जय श्री राम दोस्तों। और ये कौन सा टेंपल पता नहीं बट बहुत सारे बलि दिए गए हैं, जो कि भेड़ हैं, भेड़ का सिंह है, सारे भेड़ बकरे सारे का सिंह है। और वो काफ़ी नीचे भी गिरा हुआ है, हमको लग रहा है यार ये तो घटोत्कच का है या नहीं तो हिडिंबा टेंपल है, हिडिंबा माता का टेंपल है। नहीं नहीं, घटोत्कच को भी मतलब सिंह का ऐसे बलि चढ़ा के रखा जाता है, पता नहीं यहाँ पे कोई लोकल होते तो पूछते। फाइनली दोस्तों एक वाटरफॉल मिला भाई बहुत दिनों के बाद। चलो सुबह से ब्रश नहीं किया, ब्रश करते हैं। ये थोड़ा सही था है ना, सुंदर सा नजारा है के साथ चले जा रहे बूढ़ा केदार के लिए। ये गांव वाले के आसपास के लिए कॉलेज बनाए गए भाई, ये थोड़ा सही है। मुझे इतने अभी तक गांव में घुमा
फर्स्ट टाइम ये देख रहा हूँ जो यहाँ पे कॉलेज है, ये तो खाली स्कूल देखे थे हम। सही है यार। तो फाइनली दोस्तों ये है कदम गांव भाई, और इतने सुंदर है ना, यहाँ पर ना नेटवर्क है ना, मतलब ज्यादा तो उतना फैसिलिटी नहीं है, बट लोग यहाँ बहुत ही अच्छे है। चल रहा मैं जहाँ पे रुका था ना भाई, उसने भाई ने बहुत हेल्प किया था हम लोगों को। फोन चार्ज नहीं था, पावर बैंक चार्ज नहीं था, कुछ भी चार्ज नहीं था, बट भाई ने हेल्प किया था, धन्यवाद यार। और ये कदम विलेज है और काफी सुंदर यार, पूरे पहाड़ के हैं, पहाड़ में ही है। ये दोनों भाई भागे जा रहे हैं। इन लोगों का साइकिल सही है, मेरा भाई साइकिल थोड़ा खराब हो गया। अब जो पहले चलता था अब नहीं चलता, चैन भी बहुत कर करता रहता है, बट कोई नहीं जैसे भी चल रहा है। ये चार धाम तो करा दे बस, जैसे नीचे जाएंगे इसको भी सर्विस करवा देंगे तो मैं भी शायद अच्छा हो जाए। तो काफ़ी सुंदर लग रहा है यार गांव। और देखो नीचे है छोटे छोटे कहते पानी स्टोर करने के लिए बनाए हुए, पर पता नहीं वो क्या चीज कहाँ है, बट सही है। यह बोले कि ओ भाई नेटवर्क टावर दिख रही दोस्तों, कुछ इस प्रकार से चलाया यार, और बुरा हाल हो रहा, पूरा जंगल वाला रास्ता, यहाँ पे कोई आते भी नहीं है, ऐसा रास्ते हैं भाई। तो फाइनली दोस्तों हम लोग पहाड़ों में आए हैं लकड़ी इकट्ठा करने, और भाई पहाड़ों में ना कच्चे लकड़ी है, तो ये अंकल लोग ये लकड़ी काट के ऊपर जंगल से लाए थे, तो हमको थोड़ा दे रहे हैं खाना बनाने के लिए यार। चलो धन्यवाद करते निकलते यहाँ से झरना लेके, भाई खाना बनाने के लिए लकड़ी भी चाहिए ना, इसीलिए हो गया भाई बांधे किसने। तो फिर दोस्तों कोशिश भाई आग जलाने की पूरी कोशिश किया, बट उनसे आग जला नहीं, तो अंकल ने हेल्प कर रहे हैं, अंकल यहाँ के लोकल ही है। ऐसे ना मेरे गांव की याद आ गया, जब भी हम लोग भी पिकनिक मनाने जाते थे खेत में, मतलब वन में, यानी ये जैसे जंगल होते ना उधर, हमारे इधर तो खेत पथार होते हैं, उधर ऐसे ही जलाने देते, अंकल लोग मतलब बड़े लोग आके हेल्प करते थे, इसीलिए बोल रहे कि गांव की याद आ गया। चलो खाना बनाते हैं यार, भूख लगा, बट पता नहीं कब तक बनेगा ये। फाइनली दोस्तों कहते हैं ना राम में पावर होते हैं, भाई मेरे आते ही आग जला था, कौशिक भाई उतना देर से ट्राई करा था आग नहीं जला था, मैं आप लोगों को वीडियो में भी दिखाए थे, बट मेरे आते ही देखो कितना खतरनाक आग जल गया है। लास्ट इस पे तो आएगा ही नहीं। फाइनली दोस्तों भाई अपना बन चुका है बिरयानी बोलो, खिचड़ी बोलो, चाहे जो बोलो, नमकीन चावल बोलो, बट बन चुका है भाई। तीनों भाई बैठ चुके हैं, अपने आसन ग्रहण कर चुके हैं, बन के भाई बढ़िया वाला हो गया। कमेंट करके बताना भाई कैसा बना है, यदि आप लोग भी खाना चाहते हो तो भाई भाई के साथ आना पड़ेगा घूमने, तभी बन सकती है इतने प्यारे प्यारे खाना। चलो खाते हैं, मिलते दोस्तों, खा पी के रेडी हो चुके हैं, अब बढ़ रहे हैं आगे की ओर। भाई इधर बहुत सारे जोंक है भाई, हमारे गांव वाले समझते जोंक और शहर वाले समझते होंगे लीच। भाई पकड़ते ही खून पीना शुरू कर देते भाई, एक तो मेरा पैर में लग गया था, तब से मेरी हालत ख़राब है भाई। भैया बारिश में मौसम भी चेंज हो रहा है, जल्दी भागो यहाँ से, जब भूख लगा था तो कुछ नहीं दिखा था, अब पेट भर गया तो सब कुछ दिख रहा है है ना भाई। धीरे धीरे जंगल में घुस जा रहा हूँ, देख रहे हो आदमी नहीं आ रहा, कोई लोकल नहीं आ रहा, बस जंगल भाई जितने दिखने में सुंदर है ना उतने डेंजर भी है भाई। मेरे जब बहुत सारे जोंक ने पक्का काट लिया भाई, नीचे लग रहा है ऐसा कि ब्लड आ रहा है यार, कहीं रुक के इसको पहले खोल के चेक करता हूँ सच में, मतलब जोंक लगा हुआ है कि नहीं, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि पैर ना गीला गीला जैसा हो रहा है। मैं बिहार का एक पहला बंदा हूँ जो इस ट्रैक पे आया हूँ और बूढ़ा केदार कर रहा हूँ, इससे पहले यूट्यूब पे मैं एक भी वीडियो ऐसा नहीं देखा जो बिहार के लोग आए होंगे। तो भाई आपका भाई फर्स्ट बंदा है जो कि बूढ़ा केदार जा रहे हैं, तो इसी बात पे यार आप लोग बिहार के जितने भी देख रहे हो भाई सपोर्ट करो, शेयर करो अपने दोस्तों को, और सब्सक्राइब करने के लिए बोलो भाई,
मुझे केदारनाथ तक वन के चाहिए भाई, करा दोगे ना? पर मुझे विश्वास है आप लोग अपने बिहार के भाई लोगों को सपोर्ट करोगे, जरूर करा दोगे। अपने सारे दोस्तों को शेयर करो, हमें मेंशन करो, हम सब का मेंशन अपने स्टोरी में डालेंगे, तो जरूर करना भाई, हर हर महादेव। तो फाइनली दोस्तों देख रहे हो पूरा पैर खून खून हो गया यार। मेरी सब मैं बोल रहा था ना कि नीचे खून खून हो गया गाइस, देखो ऐसा हो जाता है ना। तो फाइनली दोस्तों पता नहीं ब्लड आ रहा है यार, अभी भी नहीं हट रहा। अभी जंगल बहुत ही ज़्यादा डेंजर है, जितना दिखने में आसान है उतना है नहीं है, बहुत ही ज़्यादा डेंजर है यार। कैसे भी करके जंगल पार करना जल्दी या शाम तक भाई, हाईवे वाले से जाऊंगा, अब जंगल वाले रास्ते से नहीं जाऊंगा। ये धीरे धीरे ना पूरे जंगल में ही लेके जा रहा रोड यार, डर भी लग रहा है और चले भी जा रहे यार। तो थोड़ा चलाने के बाद पता नहीं सांस बहुत जोर से फूलने लगा था, और ये भी हम सबसे टॉप पे आ चुके पहाड़ों के, देख रहे हो, और वहाँ तक जाना यार। ये नीचे से आ रहे हैं और चारों साइड जंगल ही जंगल है। चलो हर महादेव, और चेक करें यार कहाँ रास्ता यार। सांस बहुत ही चल रहा, बहुत ऊपर आके देख रहे हो, ये पहाड़ इतना बड़ा लग रहा था, अभी तो छोटा लग रहा है यार। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, प्लीज थोड़ी हेल्प ना। 1 किलो चीनी लिए थे चाय बनाने के लिए, बट ये दोनों बंदा है ना भाई, चाय कम मतलब दिन में 24 घंटे में शायद एक बार गलती से चाय बन जाता है, लेकिन दोनों मिलकर चीनी फाक फाक के सारे चीनी 1 किलो चीनी खत्म करे, देखो कितना बचा हुआ है यार। यार कमती में चाय बनाने के लिए चीनी आई, तो थोड़ा एक दिन दो दिन तो चाय भी बनने दो उस चीनी से, चाय पत्ती वैसे के वैसे पड़ा, चीनी खत्म हो जाता है बार बार। ये दोनों बंदे बहुत चीनी फाँकते भाई, चीनी फाँकने वाले बंदे मिल गए। जिस पल के बेसब्री से इंतजार था ओ पल की घड़ी आ चुकी है भाई, अभी हम सबसे ऊंचे वाले पहाड़ पे हैं। ये देखो सामने भाई व्यू, ओ भाई बहुत मेहनत की यहाँ तक पहुँचने, अरे अरे वो अब यहाँ से सीधा डाउन डाउन डाउन, 1 घंटे में पूरा केदार ऐसा समझ लो, बट डेंजर रास्ते दिख रहे हो, पूरा खनिज उतरा है और ऐसे करके उधर जाना है, उधर होगा बूढ़ा किधर इस बीच में कहीं। चलो फाइनली दोस्तों निकलने का समय हो चुका है, यहाँ से नीचे की ओर बूढ़ा किधर आसाम का स्टे वहीं पर रखे हैं, और भाई सुबह दर्शन वर्शन करेंगे फिर आगे की यात्रा शुरू करेंगे बाबा केदारनाथ की। तो अब ज़्यादा समय नहीं लगेंगे, जल्दी हम लोग पहुँच जाएंगे केदारनाथ भी, है ना? 2 से 3 दिन लगेगा ना? उससे भी कम लगाना चाहते हैं हम, उससे भी कम लगेगा। चलो निकलते हैं, हर हर महादेव। फाइनली दोस्तों भाई वो सामने वाला खड़ी चढ़ाई था भाई, 2 बार मरते मरते बचा, देखो मेरा हाथ पूरा लाल हो चुका है, फोन में नहीं दिख रहा है। अभी पहुंच गए गांव में, ये कौन सा गांव है? मेड भाई, अभी मेड विलेज में आया हूँ। तो दोस्तों बोले ना कि गाँव की खूबसूरती ना उनके खेतों खलिहानों से होते, और पहाड़ों में जो क्या ही पहाड़ों का खेती क्या ही कहना यार, सीढ़ी जैसे बने होते हैं स्टेप बाय स्टेप बाय स्टेप बाय स्टेप भाई, जो कि मेरे सामने खूबसूरत सारे नजर आ रहे हैं भाई, देख रहे हो ये पहाड़ों काट के खेत बनाए हैं, और लोग सब कुछ इसी अंकल मतलब जो खाने पीने का सामान आप खेत से ही निकाल लेते हो ना, मार्केट से कुछ लाने की जरूरत नहीं है, हल्का हल्का लाते हैं बस। फाइनली दोस्तों भाई वो टॉप देख रहे हो ये वाले भाई, वहीं से आए हैं, सनसेट होने वाले हैं, और ये है छोटे से गांव, इस गांव क्रॉस करते 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 यहाँ तक ही पहुंचे हैं भाई। ये चीज चेक करो यार, मैं बहुत देर से दिन से ये ढूंढ रहा था, और फाइनली अब जाके मिला ये चीज़।
भाई देख रहे कितने हरे भरे खेत है ना। तो फाइनली दोस्तों हम पहुंच गए हैं बूढ़ा केदार, जो कि वो सामने दिख रहे हैं ये वाले मंदिर, वही है बूढ़ा केदार भाई। और ये नीचे है गंगा रिवर बोलते हैं, आगे मैं अपडेट करते हैं रिवर को क्या नाम है, मैं भूल गया हूँ, मुझे पता था मत में मुझे बोला नहीं जा रहा अभी। तो फिलहाल ये है बूढ़ा केदार और भाई कितने प्यारे लग रहे हैं भाई, ये सीन चेक करिए। तो फाइनली दोस्तों रात के करीब 10:30 हो गए भाई, हम लोगों का खाना अभी भी 11 बज गए, देखो 11 बज के 11 मिनट हो चुके हैं। अरे भाई 11 बज के 11 मिनट हो रहे, पूरे गांव वाले सो गए हैं बट हम लोग अभी भी खाना बना रहे हैं यार, थोड़ा लेट हो गया हम लोग आने में, थोड़ा लेट हो गया है ना भाई। क्योंकि साइकिल पार करना मुश्किल था ना, बूढ़ा केदार पहुंचना ही था ना आज तो। हाँ आज जैसे तैसे पूरा केदार पहुंचना ही था। अभी हम लोग रोटी भुजिया बन, भिंडी का भुजिया बन रहे हैं, बनाए हैं और रोटी, तो रोटी बस बनी गई, लास्ट रोटी बचा हुआ है। ओ मैया रे, और फाइनली ये लास्ट एक रोटी और बेलना है बस, हो गया। उसके बाद मस्त से खाना खाया जाएगा और रेस्ट लिया जाएगा भाई, है ना। चलो मिलते हैं, बैठ में तो काम हो। तो फाइनली दोस्त अपना खाना पीना हो गए और भाई मस्त बना था। और चलो आज का ब्लॉग इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तक के लिए बाय, गुड नाइट, टेक केयर, हर महादेव, जय श्री राम। और भाई अपने भाई को सपोर्ट करते हुए जाना भाई।